अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 85। आज के इस लेसन में हम फिल्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिल्टर में देखेंगे वर्टेक्स, एज, फेस, सॉलिड हिस्ट्री एंड ड्राइंग व्यू कंपोनेंट क्या होते हैं और इन पे किस तरह काम किया जाता है। और इसके अलावा ड्राइंग व्यू कंपोनेंट कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। ये ड्राइंग व्यू कंपोनेंट, उसके अलावा इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि मूव, रोटेट, स्केल एंड गेजमो एक टूल है जिनके थ्रू हमने इन वर्टेक्स को, फिल्टर्स को अप्लाई करना है, तो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं अपने लेसन की तरफ आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ कि हमने क्या क्या काम करना है और इस पर किस तरह हमने काम करना है। तो इसके लिए मैं एक एक्सट्रूड कमांड लेता हूँ या फिर मैं यहाँ से एक सॉलिड बॉक्स को ड्रॉ करता हूँ। ओके, और अब मैं सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर्स के ऊपर, नो फिल्टर मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी अप्लाई किया और फिल्टर्स वगैरह अप्लाई किए हुए तो वो आपको यहाँ से आप ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ। वर्टेक्स में क्या है कि मैं इसके कॉर्नर, इसके इस वर्टेक्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप मेरे पास देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे वर्टेक्स पे जो ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे एक व्यू पोर्ट यहाँ पे ओपन हुआ है। अब इस व्यू को मैं ख़त्म करके मैं यहाँ पे चाहता हूँ रोटेट का व्यू आ जाए तो क्लिक करें, रोटेट आ गया इसी जगह। आप यहीं पे आप चाहते हैं कि रोटेट का भी ना आए, आप चाहते हैं स्केल का है तो स्केल का आ जाएगा, आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी ना आए तो क्लिक करें कोई भी नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ मूव का आए तो मूव का आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब मैंने मूव का यहाँ पे लिया और मैं अब यहाँ पे इसके बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये एक्स एक्सेस में मूव हो, देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूंगा, एक्स एक्सेस में क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास ये एड जो है देखें, देख सकते हैं एक्स एक्सेस में मूव कर रहा है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, आप जितना मर्जी आप इसको मूव कर लें देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं ये वाला जो ये हमारे, ये सिर्फ इस ये हमारे पास जो ये वाला एड्ज है इसके ऊपर ये काम कर रहा है, वर्टेक्स के ऊपर काम कर रहा है। कंट्रोल जेड करता हूँ। ओके, अब यहीं पे मैं देखता हूँ इसके ऊपर मैं, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्टेक्स पे ही क्लिक करता हूँ, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और इन सारों को मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास कौन से पे मूव हो, एक्स एक्सिस में मूव हो, तो देख सकते हैं ये सारा का सारा हमारे पास एक्स एक्सिस में मूव हो रहे हैं, देखें चारों के चारों वर्टेक्स हमारे पास एक्स एक्सिस में मूव हो रहे हैं। ओके, चाहता हूँ मैं ये वाई एक्सिस में मूव, जेड एक्सिस में मूव हो तो क्लिक करें, देखिए आपका ये जेड एक्सिस में मूव हो रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस में मूव हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे इसी तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे लाइन में लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ, इस कॉर्नर पे मैं लाइन लगाता हूँ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लाइन लगाता हूँ। ओके, उस लाइन को प्रिंट करता हूँ इसके ऊपर, तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे ये इलास्टिक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 2D वायर फ्रेम पे क्लिक करता हूँ और लाइन को प्रिंट करने के लिए एम प्रिंट कमांड यूज़ करता हूँ। एम प्रिंट कमांड यूज़ की अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और स्पेस प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये कमांड अप्लाई हो गया एम प्रिंट। अगर नहीं हुई तो दोबारा कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सेकेंड को किया, तो ये हमारे पास कमांड अप्लाई हो गया जी। ये सोर्स ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है ये कमांड अप्लाई हो गया देख सकते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे जो काम करना है वो क्या है कि मैं यहाँ से दोबारा ये इलास्टिक पे क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ से जो है तो वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ, मैं एक किस वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ, दूसरा इस वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से इसको चाहता हूँ ये कहाँ पे जी, जेड एक्सिस में मूव हो, तो देखें ये उस कॉर्नर से मूव हो रहा है, देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इम्प्रिंट किया है तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी कॉर्नर से मूव हो रहा है, देख सकते हैं, देखें
जहाँ से मैंने एम्प्रिंट कमांड दी थी, क्योंकि वहाँ से आपको पता है, मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि जहाँ पे आप एम्प्रिंट यूज़ करते हैं वहाँ से आगे आपका ऑब्जेक्ट वो एक अलग से हिस्सा बन जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ से आप अलग से अपना काम जो भी करना है आप यहाँ वहाँ से काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं एक और एम्प्रिंट देता हूँ, मैं सी एंटर करता हूँ इस कॉर्नर से, सी एंटर किया और इसको भी एम्प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो एम्प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे एम्प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, अपने यहाँ से सैलरी को सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, सोर्स ऑब्जेक्ट यस डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से रियलिस्टिक पे क्लिक करके देखता हूँ, टू डी वायर फ्रेम पे जाता हूँ और यहाँ पे अपने काम करता हूँ। ओके मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो गया जी। सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट का कहा था तो मैंने यस, मैंने उसका ऑप्शन दे दिया था। अब मैं यहाँ पे इस पर जो है तो काम करता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसी एरिया में काम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ, इस कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ, अब देख सकते हैं कि ये इस एरिया पे यहाँ से मूव हो रहा है, देख सकते हैं वर्टेक्स, और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करने के बाद इसमें टूल देता हूँ जी, रोटेट का टूल यूज़ करता हूँ, तो ये रोटेट होगा, तो उसके लिए आप यहाँ से जाएं, ये लॉस्टिक पे क्लिक करें और यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें आप रोटेट टूल आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं इस कॉर्नर में लेके आता हूँ और अब यहाँ से मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, देखिएगा इस एक्स एक्सिस में रोटेट करता हूँ, देखें मेरे पास वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर रोटेट हो रहा है, देख सकते हैं आपने जिस तरह भी रोटेट करा है तो उस वर्टेक्स से हमारे पास ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, देख सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं आपके इसमें काम करने की। नेक्स्ट मैं और भी इस पे काम करता हूँ, तो उसके लिए मैं दोबारा से एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा, बॉक्स ड्रॉ किया मैंने, नेक्स्ट में जो काम करूँगा फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट में मैं यहाँ पे एक लाइन एक और ड्रॉ करता हूँ, एल इंटर करता हूँ और ये लाइन मैं यहाँ से यहाँ तक इस एरिया तक मैं ड्रॉ करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से 2D वायर फ्रेम और उसको मैं एम्प्रिंट करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट किया और अब मुझसे कह रहा है कि डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट येस और नो, तो येस करता हूँ, यूज हो गया और अब मैं दोबारा से ये लॉस्टिक पे क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ से वर्टेक्स की जगह मैं एज के ऊपर क्लिक करूँगा, एज पे क्लिक करता हूँ, एज कौन सा है मेरे पास, ये वाला ये एज है और अब ये रोटेट का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, तो रोटेट करना चाहे तो रोटेट कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ से रोटेट पे क्लिक करता हूँ और इसको मूव करता हूँ, देखें ये रोटेट हो रहा है जिस साइड पे आपने रोटेट करना रोटेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन नहीं यूज़ करता, मैं यहाँ पे इसका ऑप्शन यूज़ करता हूँ स्केल का, स्केल का ऑप्शन यूज करने के बाद देखें ये राइट मेरे पास यहाँ से आगे देखिए बढ़ रहा है, देख सकते हैं जितना आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, देखें तो मेरे पास यहाँ पे स्केल बढ़ गया, देख सकते हैं। और इसी तरह आप स्केल को आप जेड एक्सेस में करना बढ़ाना चाहें तो जेड एक्स में बढ़ा सकते हैं, वाई एक्सेस में करना चाहें तो वाई एक्सेस में बढ़ा सकते हैं, जिस साइड पे आप बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। और जेड एक्सेस और वाई एक्सेस के अलावा भी, अब मैं जेड एक्सेस को वाई एक्सेस के अलावा देखिए मेरे पास यहाँ पे ये जो एरिया आ रहा है ये वाई और हमारे पास कौन सा है जेड और एक्स, जेड और एक्स दोनों का एरिया, ये वाला जो एरिया है ये वाई और जेड का है, तो मैं इसके सेंटर में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इन दोनों साइडों पे बढ़ेगा, देखें इसका स्केल बढ़ रहा है, देखें देखें स्केल बढ़ रहा है, साइज भी इसका बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जी कुछ कमांड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं आपकी ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट है यहाँ पे एज पे क्लिक करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ और नॉर्मल में यहाँ पे अगर मैं करता हूँ यहाँ पे नो नो पे क्लिक करके, तो मैं अब इसको मूव करूँगा तो मेरे पास यही एरिया इसका मूव होगा और नीचे की तरफ आप देखें मूव हो रहे हैं, देखें तो इसका ये स्टाइल इस तरह बन गया और यहाँ से आप देखें यहाँ पे स्केल है, मूव है, रोटेट है, इन दोनों का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया किसका ऑप्शन क्या है, स्केल से आपका ऑब्जेक्ट स्केल आपका जिस स्केल में आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो चारों साइडों से बढ़ेगा, आप देख सकते हैं जेड एक्सेस वाई एक्सेस जिस तरह भी आप बढ़ाना चाहें। ओके
नेक्स्ट है जो आपको ऑप्शन है वो है जी व्हाट इज बाय द फेस, फेस पे भी आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। जेड स्पेस ए स्पेस, इस बॉक्स में आप फेस के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ तो मैं फेस पे क्लिक करूँगा। किस इस फेस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, इस फेस को मूव करना है, बढ़ाना है, जिस तरह भी मैं इस फेस को यहाँ से इस पॉइंट में बढ़ाना चाह रहा हूँ। देखें स्केल, क्योंकि मैंने स्केल का ऑप्शन चूज़ किया हुआ है तो देखें स्केल से कम ज़्यादा हो रहा है, देख सकते हैं फेस का, मैंने यहाँ पर स्केल यूज़ किया हुआ है। और जिस तरह भी आप इस पर काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं। फेसेस के अलावा आप स्केल है, स्केल के बाद सॉलिड हिस्ट्री क्लिक करें, सॉलिड हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो जो जो आपने काम किया हुआ है वो वापस दोबारा रिपीट होता जाएगा। और यहाँ पे देखें सॉलिड को, ये देख सकते हैं अब जो मैंने ऑप्शन मैंने इसमें स्केल दिया था तो स्केल में बढ़ा रहा हूँ, देखें वही जितना ऊपर कर रहा हूँ तो उतना स्केल इसका बढ़ रहा है, और देखें इसके एज पे काम हो रहा है। तो ये था सॉलिड हिस्ट्री कि जो आपने लास्ट काम किया है तो उसी काम के मुताबिक आगे चलता जाएगा। और ड्राइंग व्यू कंपोनेंट पे क्लिक करें तो हमारे पास ये ड्राइंग व्यू कंपोनेंट अप्लाई हो जाएगा। ओके तो ये था जी आपका वर्टेक्स और इसके ऊपर काम हमने किया। तो ड्राइंग व्यू कंपोनेंट को मैं दोबारा देखता हूँ इसका फंक्शन क्या है। ड्राइंग व्यू कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा ड्राइंग व्यू कंपोनेंट। अब इसका आप नेट से भी सर्च कर लें कि इसका क्या फंक्शन है, और मैं भी आपको बता दूंगा कि इसका क्या फंक्शन है ड्राइंग व्यू कंपोनेंट्स का, और सॉलिड हिस्ट्री का क्या फंक्शन है कि जो हमने लास्ट काम किया है उसको दोबारा ये रिपीट कर रहा है। देख सकते हैं जो हम काम लास्ट में करते हैं उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट में स्केल पे ही काम किया था तो वो स्केल ही यहाँ से बढ़ा रहा है और फेसेस के स्केल को बढ़ा रहा है। तो ये था जी आपका आज का लेसन जिसमें हमने वर्टेक्स के ऊपर और स्केल के ऊपर काम किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इन लेसन पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आए। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।